हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख लेते हैं कार्नोट साइकिल क्या होती है। कार्नोट साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो अपनी ओरिजिनल स्टेट से चलता है, फिर बहुत सारे चेंजेस को फॉलो करते हुए वापसी अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। एक बात और बताना चाहूंगा, जो साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, उसमें हमेशा इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है। अगर आपका इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है और अगर उसके अंदर जो स्टेप होते हैं बहुत स्मॉल स्टेप, वो छोटे छोटे स्टेप्स में अगर होता है, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल साइकिल, क्योंकि उसमें सारे स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स में होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल स्टेप साइकिल। अब डेल्टा यू अगर जीरो है तो आपका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस में डब्ल्यू। अगर ये W है, डेल्टा यू आपने जीरो रख लिया, तो W को इधर लेके आओगे क्या हो जाएगा, यानी कि आपका जो वर्क डन बाय द सिस्टम वो हमेशा किसके इक्वल होता है, क्योंकि माइनस W का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, इट इज ऑलवेज इक्वल टू हीट। तो इसलिए कार्नोट एक साइंटिस्ट था, उसने कार्नोट साइकिल दी थी। ये किसके लिए, स्टीम का जो इंजन होता ना उसकी एफिशियंसी को चेक करने के लिए उसने ये साइकिल दी थी, उसने ये साइक्लिक प्रोसेस किया था उसकी एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। तो कार्नोट साइकिल जो थी वो किसके लिए थी, स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। ये एक ऐसा इंजन होता है जो हमेशा ज्यादा से ज्यादा हीट को किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू वर्क, ज्यादा से ज्यादा हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो सादी कार्नोट ने क्या किया था, यही किया था, उसने कहा था, उसने ऑब्जर्व किया एक जो साइक्लिक प्रोसेस होता ना उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा हीट को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसमें जितने भी स्टेप होते हैं वे सारे रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। सारे के सारे कैसे स्टेप होते हैं, रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। उसके बाद इसने क्या कहा, उसने कार्नोट साइकिल को क्या बताया, उसने कार्नोट साइकिल में क्या क्या लिया, उसने कहा इसके अंदर क्या होता है, इस सिस्टम में हमने एक मोल गैस लेते हैं, एक मोल गैस को एक सिलेंडर में डाल दिया और उस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा दिया, वो पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता ताकि गैस को आप क्या है एक्सपेंड भी कर सकते हो और कंप्रेस भी कर सकते हो। तो उसने ये क्या है, एक सिलेंडर लगाया, उसको एक सिलेंडर में गैस डाल दी एक मोल और उस पिस्टन में रख दिया। अब उस गैस को क्या है, दो रिजर्वायर्स के कॉन्टेक्ट में रखा, एक को उसने सोर्स नाम दिया और उस सोर्स का टेम्परेचर क्या बताया T2, और एक को नाम दिया उसने सिंक जिसका टेम्परेचर क्या है T1। उसने कहा जो T2 की वैल्यू हो वो एज वेल ग्रेटर देन T1 होती है। फिर उसने क्या बताया, इस कार्नोट साइकिल में चार रिवर्सिबल स्टेप होते हैं। वे चार रिवर्सिबल स्टेप कौन कौन से हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रहे वे आपके चार रिवर्सिबल स्टेप। उन चार रिवर्सिबल स्टेप को आप प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में सिखा सकते हो। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है आपका एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन होता है। यहाँ पे भी सो आपका कौन सा होता है, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन होता है ये भी। तो ये आपका फोर्थ स्टेप था एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो ये चार स्टेप होते हैं, तो इन चार स्टेप्स को हम देख लेते हैं कैसे क्या क्या किया उसने। सबसे पहले हुआ है ए स्टेप से चले थे, ए पॉइंट से चले थे। यहां पे जब चले तो हम मान के चले, क्योंकि यहां पे आपकी गैस सोर्स के कांटेक्ट में, अभी सोर्स के कांटेक्ट में है तो सीधी सी बात है टेम्परेचर T1 होगा। वॉल्यूम हमने मान लिया यहां पर V1 है, और सोर्स के कांटेक्ट में तो कोई ना कोई हीट तो अब्जॉर्ब करेगी, और उसने क्यू टू हीट को अब्जॉर्ब कर लिया है। यहां पे क्यू टू हीट को अब्जॉर्ब किया है, अब वो एक्सपेंड होके कहां पे पहुंच गई, बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे आइसोथर्मल कंडीशन है, तो टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। भाई यहाँ पे टेम्परेचर आपने क्या मान लिया, T2 मान लिया, वॉल्यूम चेंज हो गया V1 से, क्या मान लिया V2 पे चेंज हो गया, Q2 क्या है, उसने हीट को अब्जॉर्ब भी किया है। तो यहाँ पे आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन का, उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है भाई आइसोथर्मल कंडीशन पे। आइसोथर्मल कंडीशन पे जो आपका वर्क होता है वो हमेशा ये वैल्यू याद रखो, वर्क होता है RTLN। यहाँ पे ऊपर रखते हैं फाइनल वॉल्यूम, नीचे रखते हैं इनिशियल वॉल्यूम। इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए देखो, यहाँ पे वो लगाऊं फिर कंडीशन, यहाँ पे मैंने जो वर्क हुआ वो W1 मान लिया, और वो किस में होगा, माइनस में, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम एक्सपेंशन के कारण इक्वल किसके होगा, R एज इट इज। फिर टेम्परेचर की क्या रखोगी, यहाँ वाला जो टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है T2, उसके बाद LN। फाइनल वॉल्यूम आपका क्या, यहां से चले थे यहां पे पहुंचे, फाइनल वॉल्यूम V2 है और इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1। तो यह हो गया आपका वर्क डन इन दिस स्टेप। अब वर्क जो मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं, जो वर्क डन बाय द सिस्टम वो किसके इक्वल होता है, क्यू के, या जो हीट अब्जॉर्ब किया और इसने कितनी हीट अब्जॉर्ब किया, Q2। तो Q2 भी किसके इक्वल होगा, माइनस के W1, और माइनस के W1 की वैल्यू क्या है, यही है RT2 ln V2 / V1। तो आपको इस W1 को हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या है, अब बी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, बी पॉइंट पे देखो आपकी यही कंडीशन चल रही है, T2 टेम्परेचर है, वॉल्यूम V2 है। अब हमने क्या किया, सोर्स से इस गैस को हटा दिया और सिंपल विदाउट सोर्स के रख दिया। विदाउट सोर्स के रखोगे तो सिंपल सी बात है, विदाउट सोर्स के रखोगे तो T2
T2 से टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि वापसी कुछ ना कुछ घटेगा, सोर्स हटा दिया तो T2 से घट के टेम्परेचर, जब B से C पे एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर T2 से चेंज होके कहां पे पहुंच गया, T1 पे पहुंच गया, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, V2 से किस में चेंज हो गया, V3 में चेंज हो गया। अब बाकी आपका एज इट इज पड़ा हुआ है T2 और V2, क्योंकि हमने क्या किया है, सोर्स से सिर्फ गैस को हटा दिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर T2 था, सोर्स से हटाते ही टेम्परेचर T1 आ गया, घट गया, क्योंकि T1 क्या है, लो है, हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पे देखो, और वॉल्यूम चेंज होके V2 से क्या पे हो गया, V3 पे। अब जब एडियाबेटिक कंडीशन होती है तो वहां का भी वर्क आपके किसके इक्वल होता है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, वो होता है हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इंटू में फाइनल टेम्परेचर लेते हैं, माइनस में हम कौन सा टेम्परेचर लेते हैं, इनिशियल। तो यहाँ पे भी इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए हम अगर मैं कंडीशन निकालूं तो यहां का जो वर्क है वो W2 मान लिया किस में होगा, माइनस में, क्योंकि एक्सपेंशन है, वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल टू CV इनटू में क्या आपका इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, देखो यहां से चले थे यहां पे, अभी इसी स्टेप को देखेंगे क्योंकि एडियाबेटिक स्टेप तो ये है, तो फाइनल टेम्परेचर ये और इनिशियल ये, तो क्या हो जाएगा T1 माइनस में T2। अब क्या हो जाएगा यहां पे अगर माइनस लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का CV इसको T2 आगे आ जाएगा और T1 कहां पे चला जाएगा, पीछे, तो माइनस का CV T1, इसको इक्वेशन क्या मान लिया मैंने, 2 मान लिया। और एडियाबेटिक कंडीशन है तो हीट तो क्या होती है, हमेशा हीट चेंज 0 होता है, तो यहां पे वो तो होगा ही नहीं। अगले केस में क्या है, अब जब सी पॉइंट पे पहुंचे तो यहां पे वापसी हमने क्या किया, आपकी गैस को सिंक के कांटेक्ट में रख दिया, सिंक का टेम्परेचर लो है तो क्या करेगा, सिंक को वो कुछ ना कुछ हीट छोड़ देगा, हीट जितनी छोड़ी उसको हमने क्या मान लिया, Q1 हीट को छोड़ दिया। अगर हीट को छोड़ रहा है तो इसकी वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी इस बार, तो Q1 हीट छोड़ दी है। और अब क्या है, आगे आइसोथर्मल कंडीशन है, सी पॉइंट पे टेम्परेचर T1 था तो डी पॉइंट पे भी कितना रहेगा, T1, लेकिन वॉल्यूम जो है कंप्रेशन हो रहा तो वॉल्यूम चेंज होके V3 से कहां पे पहुंच गया, V4 पे पहुंच गया, और आपका यहां पे हीट जो वो Q1 है। यहां पे जो वर्क होगा आइसोथर्मल कंडीशन के लिए भी वो किसके इक्वल माने गया, W3 के इक्वल मान लिया, क्योंकि कंप्रेशन में क्या है वर्क डन ऑन द सिस्टम है, तो इसकी प्लस की वैल्यू आएगी, ये भी किसके आइसोथर्मल कंडीशन का, मैं पहले ही वर्क बता चुका हूं, इस वैल्यू इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए लगाओ R, यहां पे टेम्परेचर क्या रखोगे T1 है, तो T1 LN, यहां पे देखो यहां से चले थे यहां पे पहुंचे, तो फाइनल वॉल्यूम क्या है V4, इनिशियल वॉल्यूम क्या है V3, तो क्या रखोगे आप V4 बाई V3, या आपकी इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन आपने 3 मान ली। अब यहां पे भी क्या उसने हीट को छोड़ा है, कितनी हीट छोड़ी है Q1, उसकी वैल्यू किस में होगी, माइनस में, या आप ऑलरेडी कर चुके W किसके इक्वल होता है, Q के इक्वल होता है, तो मैं यहां पे भी क्या रखोगे W को इसके इक्वल रखोगे, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू भी RT1 LN V4 बाई V3, ये आपका हो गया। अब इक्वेशन 3 हो गई, आगे क्या है नेक्स्ट कंडीशन पे अगर देखोगे तो अब वापसी डी पॉइंट से ए पॉइंट पे आपकी गैस पहुंच चुकी है एडियाबेटिक कंप्रेशन को फॉलो करते हुए, एडियाबेटिक कंप्रेशन को अगर फॉलो करते हुए गैस यहां से वहां पे पहुंची है तो वापसी हमने सिंक से गैस को हटा दिया है, तो यहां पे आपका क्या है टेम्परेचर T1 है, तो सिंक से हटाते ही टेम्परेचर वापसी कहां पे पहुंच गया T2 पे पहुंच गया, टेम्परेचर T2 पे ये आप देख रहे हो, टेम्परेचर T1 से कहां पे पहुंच गया T2 पे पहुंच गया, वॉल्यूम V4 से कहां पे पहुंच गया V1 पे पहुंच गया, तो यहां पे भी जो वर्क होगा वो किसके इक्वल मान लिया W4 के, और एडियाबेटिक कंडीशन का कौन सा वर्क होता है ये वाला, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए क्या CV इनटू में यहां से चले थे यहां पे, तो फाइनल टेम्परेचर क्या है T2, इनिशियल टेम्परेचर क्या है माइनस में T1, ये इक्वेशन हमने क्या मान ली 4। अब टोटल वर्क निकालना है तो W1 W2 W3 और W4 को जोड़ दो, तो W टोटल अब आप निकालो, W टोटल किसके इक्वल आ जाएगा आपका, W टोटल इज इक्वल टू पहले W1 जोड़ो किसके इक्वल होगा, माइनस का W1 प्लस में माइनस का W2 प्लस में W3 प्लस में W4, सभी की वैल्यूज रख लो भाई, वैल्यूज रखते जाओ, किसके इक्वल आ जाएगा W1 की वैल्यू ये रही क्या है RT2 LN V2 बाई में V1 प्लस में फिर माइनस का W2 की वैल्यू ये रही कितनी है माइनस की है माइनस के CV इंटू में T2 माइनस में T1 फिर प्लस में W3 की वैल्यू आपके पास ये रही क्या है RT1 LN V4 बाई V3 फिर क्या है आपके पास नेक्स्ट क्या है W4 की वैल्यू ये रही W4 की वैल्यू रखो क्या आ गई आपके पास W4 की वैल्यू भी आपके पास W4 की वैल्यू है प्लस के CV इंटू में T2 माइनस में T1 अब आपका ये तो इससे कैंसिल हो गया तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं जो आपका एडियाबेटिक कंडीशन में वर्क होता है वो कैंसिल हो गया एक दूसरे से जो ओवरऑल वर्क है वो किसके कारण होता है आइसोथर्मल कंडीशन के कारण तो इसको हमने जोड़ लिया है क्या बच गया आपके पास आ गया RT2 LN V2 बाई में V1 आगे किसके इक्वल आ गया ये प्लस के ये वैल्यू RT1 LN V4 बाई V3 अब आपका एडियाबेटिक कंडीशन का मैं आपको एक वो बताता हूँ इक्वेशन एडियाबेटिक कंडीशन के लिए एक इक्वेशन होती है किसके इक्वल होती है एडियाबेटिक कंडीशन के लिए इक्वेशन होता है TV गामा माइनस में 1 इसकी जो पावर होती है वो गामा माइनस 1 इक्वल किसके होता है कॉन्स्टेंट होती है तो अब मैं एडियाबेटिक कंडीशन एक ये एडियाबेटिक स्टेप है और एक ही है इस एडियाबेटिक स्टेप के दोनों सिरे पे जो भी आपका टेम्परेचर वॉल्यूम वो ले लो बी के इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है T2 और
वॉल्यूम क्या है वी टू, तो मैंने ये ले लिया टी टू वी टू, इसकी पावर क्या रखूँ गामा माइनस वन, इक्वल किसके हो जाएगा इसके दूसरे एंड पे जो टेम्परेचर वो टी वन है, वॉल्यूम क्या है वी थ्री है, तो टी वन वॉल्यूम क्या है वी थ्री, इसकी भी पावर हमने क्या ले ली गामा माइनस में वन। अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये के एडियाबेटिक स्टेप ये है, तो इसमें भी आप क्या है इस एक स्टेप पे क्या है यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम क्या है टी टू और वी टू है, तो ये मैंने ले लिया टी टू, और आगे अपने क्या ले लिया वी वन, इसकी पावर क्या आ गई गामा माइनस वन इक्वल टू, आगे आपके क्या है दूसरे स्टेप दो के इसके इस दूसरे स्टेप पे क्या है टी वन और वी फोर है, तो यहाँ पे हमने टी वन और वी फोर ले लिया, इसकी भी पावर क्या आ गई गामा माइनस वन, ये आपका पी था इसके लिए, ये तो इसके लिए था आपका जो आपने डायग्राम बनाया था। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर करूँ तो टी टू से टी टू गामा माइनस वन से गामा माइनस वन, टी वन से टी वन गामा माइनस वन से गामा माइनस वन, तो क्या इक्वेशन बन गई वी टू बाई में वी वन इक्वल टू क्या हो गया आपका वी थ्री बाई वी फोर, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को मैं वी टू बाई वी वन की जगह क्या रख दूं वी थ्री बाई फोर वी फोर, तो ये रहा वी टू बाई वी वन, इसकी जगह आप ये रख दो, रखो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा आर टी टू एल एन, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया वी थ्री बाई वी फोर। अब ये क्या है वी फोर बाई थ्री, वी फोर बाई वी थ्री, तो मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस अगर ले लूंगा तो आर टी वन ये चेंज हो जाएगा, क्या हो जाता है एल एन, वी थ्री कहाँ पे चला जाएगा ऊपर और वी फोर क्या है मैंने यहीं के यहीं चेंज कर दिया एक स्टेप घटाने के लिए। अब क्या किया यहाँ से आर कॉमन आ रहा है एल एन वी थ्री बाई वी फोर कॉमन आ रहा है, तो जो बच गया वो ले लो आर टी टू और टी वन कॉमन नहीं आ रहे, तो ये क्या बच गया टी टू माइनस में टी वन इंटू में आगे क्या कॉमन है एल एन वी थ्री बाई वी फोर आपका क्या कॉमन है। ये था वर्क डन इन द कार्नोट साइकिल यानी कि एक स्टीम इंजन, इसकी एफिशिएंसी हम आगे चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको यहां पर टोटल हीट भी निकालनी है तो वो किसकी इक्वल होगी क्यू टू हीट उसने अब्जॉर्ब की थी प्लस में उसने कितनी हीट छोड़ी थी माइनस के क्यू वन, इन दोनों की वैल्यू रखोगे ये भी हमेशा डायरेक्टली किसके इक्वल आएगी बिल्कुल वर्क के इक्वल आएगी, तो हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम हीट किस में कन्वर्ट हो रही है वर्क में कन्वर्ट हो रही है। ये थी आपकी कार्नोट साइकिल का एक्सप्रेशन।